Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of ancient history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक UPSC prelims में जितने भी question पूछे गए हैं ancient history से, उन सभी को discuss करते हैं. और आज जो हम topic start करने जा रहे हैं, that is Indus Valley Civilization, जिसे हम Harappan Civilization के नाम से भी जानते हैं. So how to prepare वाली video में मैंने आपको topic listing बताई थी, जो यहाँ पर हमारी screen पर given है. और इनमें से हमने जो हमारा first topic था, sources of ancient history, उसको कवर कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. और उससे चार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द पास्ट 23 इयर्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट करंट अफेयर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स. और उसी के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी 1 अप्रैल से, जिसमें कि 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मीन्स 1000 एमसीक्यूज. और जो फर्स्ट टेस्ट था आपके लिए वो फ्री था एंड डाउनलोडेबल था ये, एज वेल एज प्रिंटेबल था. और साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइडेड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. सो दिस टेस्ट सीरीज गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. इसीलिए हमने अपना अभ्यास का बैच 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे एंड दीज टेस्ट आर डाउनलोडेबल एज वेल एज प्रिंटेबल पहले की तरह ही. और इससे भी आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड इसमें 5 टेस्ट हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट है 749. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है बैच 1 या बैच 2 जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कहां से स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन कहां से हुआ. सो दिस सिविलाइजेशन अरोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट हुआ और इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? बिकॉज पहली बार 1921 में इसकी इस सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई थी वो हड़प्पा से हुई थी, विच इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान. और जो हड़प्पन कल्चर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जब वो मैच्योर हो गई थी तो उसका जो सेंट्रल जोन वाला जो एरिया बना वो बना सिंध और पंजाब. तो जो मेन एरियाज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो सिंध है, पंजाब है. और उन जगहों से फिर ये और पार्ट्स में भी धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू हुई. एंड दैट्स वाई हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इवन. तो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी लार्ज सिविलाइजेशन, बहुत ज्यादा एरिया इसने कवर किया है. और जो हमारे पास नाम मेंशनड है, इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई पर्टिकुलर रीजन पूछा जाता है कि दिस रीजन वॉज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर पाए. तो ये सारे जो एरियाज हैं ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने हैं. अब जो हमारे पास है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उससे रिलेटेड मेन मेन जो सिटीज थे, जो मेन मेन टाउन्स थे उनके, वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, उससे बहुत ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इसलिए वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं. सपोज हड़प्पा जो टाउन था वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कॉफिन बरियल हमें मिला है, ग्रेनरी आउटसाइड द फोर्ट, सेमेट्री एच एन R37, फेलस वर्शिप, ग्रेवयार्ड, मदर गॉडेस. तो जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिकली कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, उससे ही हम आइडिया लगाते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में. सो हड़प्पा में हमें ये चीजें मिली थी और उसी से ही हम ये आइडिया लगाते हैं कि गॉडेस की वर्शिप भी की जाती थी वहां पर, जो है बरियल की प्रैक्टिस भी थी हड़प्पा में, फेलस वर्शिपिंग भी थी, ग्रेनरी यानी फूड ग्रेन्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता था, कॉफिन बरियल भी होता था. तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हड़प्पा से मिली है. उसी तरीके से मोहनजोदारो से यहाँ पर मेंशन है, कालीबंगन से, लोथल से, रंगपुर से एंड चहुदड़ो से, इन इन सिटीज में क्या क्या हुआ है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर मेंशन है. उससे यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सपोज द ग्रेट बाथ जो है वो हड़प्पा के कौन सी सिटी में मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो उसका आंसर होगा मोहनजोदारो. उसी तरीके से और भी सिटीज हैं जैसे धोलावीरा, रोपार, बनावली, सुरकोटड़ा एंड दाइमाबाद. तो ये सारे सिटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको एक ही जगह कंपाइल करके इंफॉर्मेशन दे दी है. ये किसी भी बुक्स में एक जगह कंपाइल नहीं है, तो आप एक जगह से यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं. ऑलराइट, अब हम आएंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर कैसा था. सो हड़प्पन और मोहनजोदारो जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं सिविलाइजेशन की, दे बोथ हैड इट्स ओन सिटाडेल और एक्रोपोलिस विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास. तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि
जो सोसाइटी थी उसमें एक हाई क्लास होती थी, एक लोअर क्लास होती थी. सो ये माना जाता है कि जो रूलिंग क्लास थी, दे यूज टू ऑक्यूपाई द सिटेडल और एक्रोपोलिस. उसके बाद सिटेडल से नीचे जो है नॉर्मल सिटी थी, लोअर टाउन जिसको बोला गया है, और उसमें क्या थे, ब्रिक हाउसेस थे विच वर इनहैबिटेड बाय द कॉमन पीपल. सो ऑन हरप्पन जो पीपल थे, दे ऑल्सो फॉलोड द ग्रिड सिस्टम. तो उनकी जो रोड्स थी, दे यूज टू कट अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स. तो उनका जो रोड सिस्टम था जो, वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा था. उसके साथ जो मोहनजोदारो सिटी है, वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस है हमारी ग्रेट बाथ. और जो ग्रेट बाथ है, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल जो कि रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता होगा, ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है. और मोहनजोदारो की जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, विच इज़ अ ग्रेनरी. और जो हड़प्पा का सिटेडल है, वी फाइंड एज मैनी 6 ग्रेनरीज वहाँ पर गिवन है. उसके बाद हड़प्पन सिटीज़ में जो है बर्नट ब्रिक्स का भी यूज़ किया जाता है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी जो और सिविलाइजेशंस थी उनमें यूज़ नहीं किया जाता था. सो ये एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. अब हम जानेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. सो ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था. इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ एवरी बिग और स्मॉल हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम. साथ में जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी, दे वर ऑल्सो इक्विप्ड विद मैन होल. सो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर जो है ड्रेनेज का, क्लीनलीनेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था. और हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा जो और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जो थी, उनमें किसी में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हेल्थ एंड क्लीनलीनेस पे जितना कि हड़प्पन में दिया गया. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब हम देखेंगे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी. सो एग्रीकल्चर का प्रेवलेंस था, ये हमें पता चलता है जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से. और साथ में जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स जो मिले हैं इस सिविलाइजेशन से, उनसे हमें ये भी पता चलता है कि बुल जो एनिमल है उसका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में, एंड ऑक्सन वाज यूज्ड फॉर प्लोइंग, ये हमें पता चलता है. साथ में जो टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के इन चोलिस्तान एंड एट बनावली, उससे भी हमें पता चलता है कि इट वाज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. साथ में प्लोड फील्ड का एविडेंस भी मिला है हमें कालीबंगन से. तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट कि प्लोड फील्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन में था या नहीं, या फिर पर्टिकुलरली कौन सी सिटी से या फिर टाउन से हमें उसका एविडेंस मिला है. सो इट वॉज कालीबंगन. उसके साथ हमें कैनल्स के भी ट्रेसेस मिलते हैं हड़प्पन साइड से, विच इज शॉर्टुगाई इन अफगानिस्तान. लेकिन पंजाब और सिंध में हमें कैनल्स के ट्रेसेस नहीं मिलते. तो ये पर्टिकुलरली जो है अफगानिस्तान की जो साइट्स हैं हड़प्पा की, वहां पर मिलते हैं. इसके साथ साथ इंडस वैली जो पीपल थे, दे यूज टू प्रोड्यूस व्हीट, बाली, राई, पीस, सेसमम एंड मस्टर्ड. साथ में राइस, जो लोथल सिटी है वहां से हमें राइस के भी रिमेन्स मिलते हैं. एंड इंडस वैली पीपल वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन. तो साथ में वो कॉटन को भी प्रोड्यूस करते थे, ये भी एक रिमार्केबल फीचर है. And the Harappan villages mostly situated near the flood plains produce sufficient food grains. तो जो flood plains के आसपास जो लोग रहते थे Harappan villages में, वो sufficient food grains produce करते थे for their sustenance. Also, वो दूसरे town people को food grains provide करने के लिए भी, यानी काफ़ी food grain produce होता था. तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बाकी trade, agriculture को as a trade के लिए भी use किया जाता था उस time पर. उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था. सो हमारे पास हैं ऑक्सन, बफेलोज, गोट, शिप्स एंड पिग्स. इन सबको डोमेस्टिकेट किया जाता था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड हम्ड बुल्स को भी बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता था. उसकी जो है सील्स पे उसकी पिक्चर्स भी हैं हमारे पास, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिली है. उसके साथ साथ डॉग्स एंड कैट्स वर रिगार्डेड एज पैट्स. और बर्डन के लिए, बर्डन को कैरी करने के लिए एसेस और कैमल्स का यूज़ किया जाता था. अब सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉन्ट्रोवर्शियल एनिमल है, दैट इज हॉर्स. तो ऐसा माना जाता है कि जो सुरकोटड़ा की साइट है वहां से हॉर्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी है उसकी वो डाउटफुल है. यानी बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि हॉर्सेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और बहुत सारे मानते हैं कि नहीं थे. लेकिन ये ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया गया है कि जो हॉर्स थे उनकी प्रेजेंस थी इंडस
वैली सिविलाइजेशन में, इसलिए अगर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्स से रिलेटेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमें ये मार्क करना है कि एब्सेंस थी हॉर्स की इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है प्रेजेंस ऑफ हॉर्स इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. ऑल राइट, उसके साथ साथ एलिफेंट्स वर द वेल नोन टू द हड़प्पन्स, और साथ साथ राइनोसेरस भी इस सिविलाइजेशन में थे. तो ये सारे एनिमल्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं. देन अब हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स कैसे थे. सो हड़प्पन कल्चर जो है वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है, इसलिए दे वर वेल एक्वेंटेड विद द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज. साथ साथ में वो यूटेंसिल्स को भी प्रोड्यूस करते थे, बर्तन भी बनाते थे, और बहुत सारे टूल्स एंड वेपन्स भी थे, जैसे एक्सेस हैं, सॉज, नाइव्स, स्पीयर्स, जिनको हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है प्रोड्यूस करती थी. उसके साथ साथ स्पिनिंग को भी स्पिनिंग का जो क्राफ्ट है वो भी उनको आता था, और उसके लिए वो स्पिंडल होल्स को यूज़ करते थे, और जो वीवर्स थे वो इन स्पिंडल होल्स को यूज़ करके वूल और कॉटन के क्लॉथ को बनाते थे. तो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थी. उसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, तो उनको बोट बनानी भी आती थी, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो सी के थ्रू वो ट्रेड है वो भी करते थे थ्रू बोट्स. एंड गोल्ड स्मिथ्स यूज टू मेक ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. तो हमें पता चलता है कि सिल्वर और गोल्ड और ब्रॉन्ज, इन तीन ये जो तीन मेटल्स हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थे. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो आयरन मेटल है दैट वॉज नॉट प्रेजेंट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो आयरन का यूज़ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं करती थी. ये आयरन का यूज़ जो है वो लेटर वैदिक फेज में आया है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में दैट वॉज एबसेंट. साथ में हड़प्पन पीपल वर ऑल्सो एक्सपर्ट्स इन बीड मेकिंग, और पॉटर्स व्हील्स का भी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. तो जो हड़प्पन की जो पॉटरी थी दैट ऑल्सो हैड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज ग्लॉसी एंड शाइनिंग. उसके अलावा दे ऑल्सो यूज टू डू ट्रेड, तो दे यूज टू कैरी ट्रेड इन स्टोन मेटल शेल्स विद इन द इंडस कल्चर जोन. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपस में ही वो ट्रेड करते थे स्टोन्स का, मेटल्स का, शेल का, लेकिन हमें जो है मेटल मनी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है. तो ये अज्यूम किया जाता है कि दे यूज टू डू ऑल दीज एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर सिस्टम. एंड दे ऑल्सो यूज टू प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी. और हड़प्पन्स जो हैं दे ऑल्सो हैड कमर्शियल लिंक्स विद वन एरिया ऑफ राजस्थान एंड ऑल्सो विद अफगानिस्तान एंड ईरान. तो ये रीजन्स जो हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से एरिया से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी. एंड दे ऑल्सो यूज टू कैरी कॉमर्स विद दोज इन द लैंड ऑफ टिग्रिस एंड द यूफ्रेट्स. एंड मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स जो हैं दे वो बताते हैं कि उन रिकॉर्ड्स में मेंशन है कि दे यूज टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद मेलुहा, जो कि इंडस रीजन की जो सिविलाइजेशन थी उसका ही एंशंट नेम है. तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेलुहा इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बारे में मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में भी मेंशन है. सो दे ऑल्सो यूज टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया. उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी इस टाइम पर. सो जो हड़प्पन कल्चर है वो ज़्यादातर सारे सिटीज में मोर और लेस यूनिफॉर्म है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिससे जो कि एक यूनिफॉर्म लॉज या फिर यूनिफॉर्म जो मेथड्स हैं वो उसने बताए होंगे, और उसी को ही सारे लोग जो हैं सारे टाउन्स में फॉलो करते थे. उसके साथ साथ हमें सीटेडल्स भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दैट यूज टू बी द सीट ऑफ सॉवरन पावर एंड द मिडिल टाउन मे हैव बीन द एरिया वेयर द ब्यूरोक्रेट्स लिव्ड, और द सीट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ग्रेट ग्रैनरी एट मोहनजोदारो मे हैव बीन द ट्रेजरी. उसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जाते थे, लेकिन उनके पास कोई मनी सिस्टम नहीं था, इसलिए ग्रेन्स में जो है टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था. और एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कि यहाँ पर कोई भी टेम्पल्स नहीं थे. सो एक सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ग्रेट बाथ, जो मैंने आपको बताया था, विच इज़ काइंड ऑफ अ स्विमिंग पूल, जिसको रिचुअल सेक्रीफाइसेस या पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था. सिर्फ दैट इज़ द बिल्डिंग फॉर द रिलीजियस स्ट्रक्चर. उसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजियस आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है. सो प्रीस्ट रूल करते थे हड़प्पा को, ये भी एक रॉन्ग अजम्पशन है. सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी टेम्पल वगैरह हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं था. अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी. सो हमें जो है बहुत सारे टेराकोटा फिगरीन्स मिलते हैं विमेन का, एंड वन ऑफ दिन फिगरीन्स जो है वो ये शो करती है प्लांट इज शोन ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ विमेन. तो
ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स द गॉडेस ऑफ अर्थ एंड दैट वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो हमें गॉडेस ऑफ अर्थ के बारे में हमें फिगरीन मिली है और उसे ये अज्यूम किया जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे फीमेल एज वेल एज मेल दोनों को जो है वर्शिप किया जाता था. उसके बाद मेल डीटी जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील और उनको शो किया गया है अ गॉड दैट इज़ थ्री हॉर्न्ड हेड्स एंड दैट ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ अ योगी विद वन लेग प्लेस्ड अबव द अदर. एंड ये जो गॉड है ही इज़ सराउंडेड बाय एन एलिफेंट अ टाइगर अ राइनोसेरस एंड बिलो हिज थ्रोन देर इज़ अ बफेलो एंड एट हिज फीट टू डियर्स. तो ये सारे एनिमल्स आपको ध्यान रखने कि जो गॉड हमें रिप्रेजेंट किया गया है विच इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील तो उनको इन सारे एनिमल्स ने सराउंडेड किया गया है. एंड द गॉड सो डिपिक्टेड इज आइडेंटिफाइड एज पाशुपति महादेव. सो पशुपति महादेव नाम दिया गया है गॉड जो कि सील पे मेंशन है बट हिज आइडेंटिफिकेशन इज डाउटफुल बिकॉज द बुल इज नॉट रिप्रेजेंटेड हियर. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बुल को जो है रिप्रेजेंट नहीं किया गया है विच इज़ आइडेंटिफाइड एज कनेक्टेड टू द पशुपति महादेव. उसके साथ साथ न्यूमरस सिंबल्स ऑफ द फेलस एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा. तो हमें ये पता चलता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको भी वर्शिप किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पाज एंड पीपल ऑफ इंदस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज. तो ये सारे हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस ध्यान रखने हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि वेट्स एंड मेजर्स को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज़ करती थी. सो ट्रेड और ट्रांजैक्शन के लिए वेट्स एंड मेजर्स को यूज़ किया जाता था और बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं जिन्हें वेट्स की तरह यूज़ किया जाता था वो हमें मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में. एंड दे शो दैट इन वेइंग लार्जली 16 और इट्स मल्टीपल वर यूज्ड. तो उनकी जो यूनिट थी वो 16 और उसके मल्टीपल्स को यूज़ किया जाता था जैसे 16, 64, 160 इस तरीके से. सो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट और बहुत सारी जगह पे जो है स्टिक्स पे भी इंस्क्राइब किया गया है मेजर मार्क्स तो वो स्टिक्स को भी यूज करते थे एज अ मेजरमेंट. अब हम देखेंगे कि जो सील्स एंड सीलिंग्स मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन से सो हड़प्पन कल्चर की जो ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो है सील्स. तो अराउंड 2000 सील्स हमें मिली हैं और उन पर बहुत सारे पिक्चर्स हैं एनिमल्स की और इंस्क्रिप्शंस भी उन पर रिटन हैं. लेकिन हमें ये बात ध्यान देनी है कि जो भी इंस्क्रिप्शन हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में थे दे ऑल वर पिक्टोग्राफिक. अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स मैंशनड हैं सील्स पर वो कौन कौन से हैं. वो हैं यूनिकॉर्न्स बफेलोस टाइगर्स राइनोसेरस गोट्स एलिफेंट्स एंटलोप्स एंड क्रोकोडाइल्स. तो ये सारे एनिमल्स के नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए कि सील्स पर कौन कौन से एनिमल मेंशन है क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल जो है सील पर मेंशन था तो आपको आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन से मेंशन थे कौन से नहीं थे तो वो सब आपको याद करने से होंगे. एंड दीज सील्स वर मेड ऑफ स्टीटाइट और फेन्स एंड दीज सर्व्ड एज अ सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी. तो हमें इससे भी पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़रूर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो कि इन सील्स को इश्यू करती थी एंड दीज सील्स वर देन यूज्ड इन द ट्रेड्स. उसके साथ साथ जो ये सील्स हैं दे वर आल्सो यूज्ड फॉर स्टैम्पिंग ये भी हमें पता चलता है. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इमेजेस और स्कल्पचर्स हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं. सो दे यूज टू मेक वेरी ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ मेटल और हमें एक ब्रॉन्ज मेटल की एक विमेन डांसर की इमेज मिलती है जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पन सिविलाइजेशन में इमेजेस का या फिर आर्ट का स्कल्पचर का उसका. उसके साथ साथ हमें एक स्टोन स्कल्पचर भी मिलता है विच इज़ अ वन स्टेटाइट स्टैचू वेयर्स एन ऑर्नामेंटेड रोब पासिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर अंडर द राइट आर्म लाइक अ शॉल. तो हमें दो स्कल्पचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक ब्रॉन्ज का है विच इज़ अ फीमेल डांसर और उसके साथ साथ एक हमें स्टोन स्कल्पचर भी मिलता है जिसको ये माना जाता है कि होपफुली दैट वॉज ऑफ अ प्रीस्ट जो जिसने कि एक राइट आर्म से लेकर एक शॉल ओढ़ी हुई है. तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में उन सारे पॉइंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से इन द पास्ट 23 ईयर्स. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2001 एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर. सो हमारे पास ऑप्शंस हैं काउ एलिफेंट राइनोसेरस एंड टाइगर. तो अभी मैंने आपके साथ प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि सील्स और जो टेराकोटा आर्ट थी उन पर किन किन एनिमल्स का मेंशन था इन द हड़प्पन कल्चर. तो उसमें हमने देखा टाइगर वॉज मैंशनड राइनोसेरस वॉज मैंशनड एलिफेंट वॉज मैंशनड. सो बी सी डी कैन नॉट बी आर आंसर
So our answer is option A, that is cow. So jo cow hai, that was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2002 और इस question में हमें दो list दी हुई है and we have to match them. So एक तरफ हमें ancient sites given है और दूसरी तरफ कि उन sites पर क्या क्या archaeological finding हुई है. तो इसके लिए मैंने आपको specially जो हमारी first और second slide थी वहाँ पर मैंने आपको सारी ancient sites पे क्या क्या archaeological finding हुई है वो सारी एक जगह compile करके दे दिया है. तो अगर आपने वो पढ़ लिया है तो ये वाला question आप easily solve कर सकते हैं. So, हमने देखा कि जो लोथल की जो साइट थी जो टाउन था वहां पर हमें पोर्ट टाउन यानी डॉकयार्ड मिलता है. सो ए इज मैच टू टू. सो व्हेन वी नो दैट ए इज मैच टू टू देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. सो नाउ आवर आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी एंड डी. सो उसके बाद हमने कालीबंगन के बारे में पढ़ा. सो कालीबंगन से हमें जो है प्लोड फील्ड के बारे में पता चलता है. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर वाला जो स्लाइड थी वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था कि हमें प्लोड फील्ड का एविडेंस मिलता है कालीबंगन से. सो बी इज मैच टू वन. देन ढोलावीरा जो है वहाँ से हमें मिलता है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट. सो सी इज मैच टू फोर. एंड देन डी बनावली से हमें मिलता है टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ प्लो जो यहाँ पर स्लाइड में मैंशन है एज अ टॉय प्लो. तो टॉय प्लो हमें मिलता है टेराकोटा का रेप्लिका. सो वो हमें मिलता है बनावली से. सो डी इज मैच टू थ्री. सो ए इज मैच टू टू, बी इज मैच टू वन, सी इज मैच टू फोर, डी इज मैच टू थ्री. दैट्स वेयर आर आंसर इज ऑप्शन बी. सो ये सारे जो एंशियंट साइट्स हैं इसमें सिर्फ ये चार पूछे गए हैं लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपसे और साइट्स के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में पूछा जाए. तो वो सारे आपके ध्यान में होना चाहिए जो भी मैंने आपके साथ मेंशन किए थे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2011 एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ दैम आर करेक्ट. सो फर्स्ट इज इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन. तो अभी जब हमने रिलीजियस सिचुएशन के बारे में पढ़ा था अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो वही हमने देखा कि वहां पर गॉड्स प्रेजेंट थे लेकिन जो रिलीजन था दैट डिड नॉट डोमिनेटेड द सीन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्योंकि हमें कोई भी टेंपल्स का मेंशन नहीं मिलता है और साथ में हमें यह भी नहीं मिलता है कि कोई पर्टिकुलर गॉड है जिसको बहुत ज्यादा वर्शिप किया जाता था. ऐसा भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है. तो इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद सेकंड है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो स्पिनिंग का क्राफ्ट है वो भी प्रेजेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वूल और कॉटन के क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल. सो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट्स वायर आर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 2013 and the question is which of the following characterizes the people of Indus civilization. So again Indus Valley civilization is related. Teen hame statements given hai and we have to tell that which of them are correct. So first is they possessed great palaces and temples. तो ये मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वहाँ पर ना ही ग्रेट पैलेसेस थे ना ही टेम्पल्स थे. सिर्फ एक सिटाडेल हुआ करता था जहाँ पे हाई क्लास के लोग रहते थे और उसके बाद एक लोअर टाउन था जहाँ पर ब्रिक हाउसेस थे जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे. सो देयर वाज नो एविडेंस ऑफ पैलेसेस एज वेल एज टेम्पल्स. तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. उसके बाद सेकंड है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेइटीज. तो अभी मैंने आपको बताया था कि फीमेल डाइटीज जो हमें गॉडेस ऑफ अर्थ की फिगरीन मिली है साथ में जो सील है वहाँ पर पशुपति महादेव की पिक्चर हमें मिलती है. सो मेल एंड फीमेल डाइटीज बोथ का एविडेंस हमें मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से. इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. उसके बाद थर्ड है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चेरियट्स इन वॉरफेयर. तो जो हॉर्स का जो हमें कोई भी एविडेंस जो है प्योरली जो आइडेंटिफाई कर लिया गया है मतलब कोई भी फिक्स हमारे पास एविडेंस नहीं है कि हॉर्स जो है वो इंडस सिविलाइजेशन में प्रेजेंट थे. इसलिए जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट्स वायर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली.
सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियोज. और आज के जितने भी क्वेश्चन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है एंशियंट हिस्ट्री की, उससे सॉल्व किए जा सकते हैं. और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी जो है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं जितने भी एंशियंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं दोज ऑल कैन बी सॉल्व फ्रॉम दी एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है. एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही होंगी. एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. एंड थैंक यू सो मच. इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम आर्यंस और ऋग्वेदा के बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.